शहरे कायद में मौसम ठंडा ठार होने लगा। मौसम की शिद्दत से बचने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई। शहरी लंडा बाजारों का भी रुख करने लगे। बाजारों और ठेलों पर सजे पुराने गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट्स और जूते सभी अच्छे लगते हैं और इनकी क्वालिटी भी बेहतर दिखाई देती है, लेकिन ये बहुत महंगे हो गए। लंडा के गर्म कपड़ों की कीमत अब आसमान से बातें करने लगी है। माजी की तरह नहीं, 10, 20 और 50 रुपए में आप कोई भी चीज खरीद लें। इसी वजह से आवाम अब इनको देखने जरूर आती है, लेकिन खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। रेट तो थोड़े से हाई चल रहे हैं। अभी हमने एक ट्राउजर देखा था, लेकिन वो 150 रुपए का ट्राउजर मैक्सिमम होना तो वो 100 रुपए का चाहिए। ये लुंडा में आने के बाद भी इतनी महंगाई है, तो फिर इससे अच्छा दुकान से नहीं ले लें। शहरी कहते हैं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले लंडा बाजार के कपड़ों की कीमतों में दुगने से भी ज्यादा इजाफा हो गया, जबकि माजी में लंडा बाजारों में बिकते कपड़े इनकी पहुंच में आसानी से आ जाया करते थे। रेट सोचते ही ये कल आया मैंने शूज का, पता क्या पता चला के 800 रुपए का, उससे ब्रांड भी ले बना। महंगाइयों के ये हालात हैं। स्टॉल होल्डर्स और दुकानदारों का कहना था कि उन्हें पीछे से लंडे का माल महंगा मिल रहा है, इसलिए वो भी महंगा बेचने पर मजबूर हैं। इस दफा जो है इसके रेट बढ़े हुए हैं ना, पिछली दफा जिस रेट पे आ रहा था उसके मुताबिक अभी आधी कीमत इसकी समझो रेट बढ़े हुए हैं। पिछली दफा ये हमारे को बंडल पड़ रहा था, वहाँ से ये समझ लो 2500-3000 का, तो अभी वही 5000-6000 रुपए का पड़े। नया 1600-1700 रुपए का ये जैकेट चेक करें आप, चेक कर रहे हैं ये 16-17-2000 से कम नहीं है दुकान पे। ये गरीबों का भला नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं, 300-400 में ठीक नहीं है क्या? माजी में लंडा बाजार गरीब लोगों के लिए सस्ते तरीन कपड़े फराम करने का अहम जरिया था, लेकिन अब वो भी उनकी रेंज से बाहर हो गया। आसमान को छूती महंगाई में अब इस्तेमाल शुदा कपड़े खरीदना भी गरीब आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। कैमरामैन फैजान खान के साथ हिरा ज़ारा, सच टीवी, कराची।